हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आशा है कि सही होंगे, घर पे होंगे और पढ़ाई के साथ लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 2, जीके सब्जेक्ट जो है ये जीके है, उसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे, पॉपुलर इंडियंस। लास्ट क्लास में हमने कौन सा चैप्टर किया था? चैप्टर फर्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। उस भारतीय संविधान के बारे में हमने पढ़ा था। आज के चैप्टर में पॉपुलर इंडियंस, कुछ फेमस इंडियन जो प्रसिद्ध भारतीय थे उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये चैप्टर आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, शी वॉज अ क्वीन ऑफ होलकर डायनेस्टी, ऑफन कॉल्ड द फिलोसफर क्वीन। इसी ब्लैंक में आपको इनका नाम लिखना है। तो ये हिंट आपको कुछ दिए हुए हैं, तो वो आप बताइए कौन है। वह एक होलकर डायनेस्टी की महारानी थी, रानी थी, और उनको फिलोसफर क्वीन कहा जाता था। देखिए, ये कौन थी? होलकर डायनेस्टी की जो महारानी थी उनका नाम था अहिल्याबाई होलकर। ये मराठा मालवा किंगडम की रानी थी, और इनकी जो शादी हुई थी, जो इनके हस्बैंड थे उनका नाम था खांडेराव होलकर। वो कुंभखेर की लड़ाई में वो मर गए थे, और उसके बाद उनके जो फादर इन लॉ थे, उनके ससुर थे, वो भी उनकी डेथ के बाद, दोनों की डेथ के बाद रानी अहिल्याबाई होलकर को रानी बनाया गया था, और उन्होंने 30 साल तक मालवा किंगडम और मराठा किंगडम पर राज किया था। 70 साल की आयु में इनकी डेथ हुई थी, और इन्होंने अपने जब आज भी इनको इंदौर का सबसे कुशल शासक माना जाता है। इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण कराया, और अपना जो राज्य था उसको बहुत अच्छी तरह से चलाया। तो इनका नाम था अहिल्याबाई होलकर। ये जो मराठा और मालवा किंगडम है, ये अब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आता है, तो वहाँ पर इनको आज भी सबसे कुशल शासक माना जाता है। तो इनका नाम था अहिल्या बाई। फर्स्ट का आंसर क्या? अहिल्या बाई। सेकेंड, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम एंड वॉज ए फेमस साइंटिस्ट। सेकेंड में हमें नाम लिखना है जो जिनको इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम का जनक, फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी, यानी कि भारतीय नाभिकीय परमाणु प्रोग्राम का जनक कहा जाता था, एंड वाज ए फेमस साइंटिस्ट, बहुत फेमस प्रसिद्ध साइंटिस्ट भी थे। तो इनका नाम है होमी जहांगीर बाबा। इनके नाम से अभी मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर चलता है। ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, नाभिकीय, जो परमाणु हथियार, ये परमाणु एनर्जी ऊर्जा से जो हथियार और बाकी के मिसाइल्स बनाते हैं। तो इन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम हमारे देश में शुरू किया था, और इनके नाम से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में आज भी है। तो क्या नाम था इनका? इनका नाम था होमी जहांगीर बाबा, भाभा है, भाभा, BHA BHA, बाबा नहीं है, ये भाभा है, ठीक है। तो इनका नाम था होमी जहांगीर बाबा। थर्ड, ही वॉज ए फेमस पोइट, संत ऑफ भक्ति मोमेंट एंड वीवर बाय प्रोफेशन। यह एक फेमस प्रसिद्ध पोइट, कवि थे और संत थे भक्ति मूवमेंट के। भक्ति मूवमेंट तब का है जब भक्ति काल में कविताएं और गीत लिखे जाते थे भक्ति से रिलेटेड, एंड वीवर बाय प्रोफेशन, और प्रोफेशन मतलब कार्य इनका जुलाहे का था। जुलाहे जो सूत काटता है, रुई रुई कपास से रुई बनाता है, धागा बनाता है। तो फेमस पोइट भी थे और संत भी थे। तो कौन थे ये? कबीरदास जी थे। तो ये कबीरदास जी जो थे, ये हिंदू मुस्लिम इनके दोनों अनुयायी थे। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर, दोनों धर्म को बराबर मानते थे, और इन्होंने बहुत ही फेमस कुछ बुक्स लिखी हैं, जिसमें इन्होंने कृष्ण जी के ऊपर और समाज को जागृत करने के लिए बहुत सारे छंद लिखे हैं, बहुत सारे दोहे लिखे हैं। तो उसमें फेमस जो है इनकी कबीर बीजक है और कबीर ग्रंथावली है। तो इसमें इन्होंने कृष्ण जी के ऊपर और समाज कल्याण के ऊपर, समाज को जागृत करने के लिए बहुत सारे दोहे लिखे हैं, समाज को
एक करने के लिए, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो झगड़े होते थे उनको दूर करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छे दोहे लिखे हैं। तो इनकी जो काफ़ी फेमस बुक है वो है कबीर बीजक और कबीर ग्रंथावली। फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ हिज जनरेशन, इंडियाज मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट इज नेम्ड आफ्टर हिम। इनको उस समय का, जिस समय के ये थे उस समय का ग्रेटेस्ट बैट्समैन माना जाता था, ऑफिस अपनी जनरेशन के बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते थे। इंडियाज मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट इज नेम्ड आफ्टर, तो ये कौन थे? इनका नाम था रंजीत सिंह जी। क्या नाम था इनका? रंजीत सिंह जी। ये नवानगर के महाराज थे और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला था किसके लिए? इंग्लैंड के लिए खेला था। इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले थे। और हमारे देश में जो सबसे बड़ा इंटर टूर्नामेंट होता है, जो जो घरेलू टूर्नामेंट होता है, उस वो रणजी ट्रॉफी, वो इन्हीं के नाम पे रखी गई थी। और उस समय के ये बेहतरीन बल्लेबाज, उस समय के ग्रेटेस्ट बैट्समैन अपने समय के माने जाते थे। तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड की तरफ से खेला था और हमारे देश में इनके नाम पे एक टूर्नामेंट होता है जो हमारे देश के घरेलू टूर्नामेंट में सबसे बड़ी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में है। फिफ्थ, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट वॉज नेम्ड आफ्टर ग्रेट मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर ऑफ द एंशियंट पीरियड हु वॉज ही। भारत की पहली सैटेलाइट जिनके नाम पर रखी गई है, जो बहुत महान मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, एस्ट्रोनॉमर, खगोलीय शास्त्री थे, उनका नाम बताना है हमें। तो उनका नाम है आर्यभट्ट। तो हमारे देश की पहली आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या? आर्यभट्ट। इन्हीं के नाम पे रखा गया था, आर्यभट्ट। इन्होंने मैथ में बहुत बड़ी बड़ी खोज की थी और ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने जो खोज की थी उसमें इन्होंने प्लेस वैल्यू सिस्टम दिया था, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, 1, 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से गणना करनी, गिनती करना सिखाई थी। और जीरो भी इन्होंने ही दिया था, पाई की वैल्यू भी इन्होंने ही दी थी। पाई इज इरेशनल नंबर है, इन्होंने ये बताया था कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। और इन्होंने साइन जो ट्रिग्नोमेट्री में साइन टेबल्स हैं और समेशन सीरीज जो हैं, जो एन नंबर के समेशन, समेशन मतलब सम, तो एन नंबर का आपका सम कैसे निकाल सकते हैं उसका फार्मूले ड्राइव किए थे। तो इन्होंने मैथ में बहुत बड़ी बड़ी फार्मूले दिए थे, बहुत बड़ी बड़ी खोज की थी। तो इनके नाम पे हमारी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी है आर्यभट्ट, और ये खगोलीय शास्त्री भी थे। ही बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड वॉज ए फ्रीडम फाइटर एंड द सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं भारत की आज़ादी के बाद। भारत की आज़ादी पहले एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले राष्ट्रपति, पहले प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे उन्हीं का नाम हमें यहाँ लिखना है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता और एक फ्रीडम फाइटर भी थे और हिंदू मुस्लिम एकता को सपोर्ट करते थे। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, तो इन्होंने अपोज किया था, उसका विरोध किया था कि ये बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो ये भारत में फिर भी बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, ये भारत में ही रहे। और ये पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बने, इनका नाम था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। क्या नाम था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आप लिखेंगे यहाँ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 7, ही फाउंडेड द टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी एंड रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। यहाँ पर इनका नाम लिखना है जो उन्होंने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी स्टार्ट की थी और इनको फादर ऑफ इंडियन, भारतीय इंडस्ट्री का, इंडियन इंडस्ट्रीज का जनक, फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कौन थे? जमशेद जी टाटा। कौन थे? जमशेद जी टाटा। इन्होंने चिंचपोकली में एक ऑयल कंपनी खरीदी थी, कुछ उधार के वो थोड़ा कर्जे में थी वो, उसको खरीद के वहाँ पर एक कॉटन मिल लगाई थी। और उसके बाद इन्होंने वहाँ से उसको 2 साल बाद प्रॉफिट में बेच दिया था। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी कंपनियाँ स्टार्ट की, जिसमें टाटा स्टील फेमस है टिस्को के नाम से, टाटा पावर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक
पावर सप्लाई करती है। तो इसके बाद इन्होंने बहुत सारी कंपनियां स्टार्ट की। तो इनके इनको इंडिया फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है। इनका नाम था जमशेद जी टाटा, इनका नाम था जमशेद जी नजरवान टाटा, लेकिन आप जमशेद जी टाटा ही लिखेंगे। बहुत सारी कंपनियां आज की तारीख में टाटा कंपनी नमक से लेके और सॉफ्टवेयर तक और इनका कार तक बनाती हैं ये, है ना। तो इनकी बहुत बड़ी कंपनियां हैं इनकी। तो इन्होंने ये सारी कंपनियां स्टार्ट की थी। मुंबई में जो ताज होटल है वो भी टाटा ग्रुप्स का ही है। ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड सोशल रिफॉर्मर 16th century इन बंगाल। लॉर्ड कृष्णा के भक्त थे भगवान कृष्ण के, और सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक थे 16th century में बंगाल में। तो कौन थे? उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। क्या नाम था? चैतन्य महाप्रभु। तो आप यहाँ लिखेंगे चैतन्य महाप्रभु। ये जो चैतन्य महाप्रभु थे, इन्होंने राधा कृष्ण के ऊपर बहुत सारे भजन लिखे हैं, और संस्कृत में इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है शिक्षा स्तकम। क्या नाम है? शिक्षा स्तकम। तो ये वहाँ पर समाज सुधार के भी उन्होंने बहुत कार्य किए हैं, और 16th and 16th century में इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। तो आपको ये वर्कशीट आपको अभी PDF में सेंड कर दी जाएगी, आपको अपनी नोटबुक में करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।